अब ये फाइनल जश्न नहीं है, लेकिन फैंस को उम्मीद है कि टीम इंडिया वर्ल्ड कप घर लेकर ही आएगी, जैसे कि हमें कल उम्मीद थी कि इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ जीतेगी और वो मैच जीता भी। बिल्कुल। वर्ल्ड कप से सिर्फ एक कदम दूर है टीम इंडिया, लेकिन फैंस का जश्न अभी से शुरू हो गया है। हालांकि ये फाइनल जश्न नहीं है, अभी तो जश्न की ये सिर्फ शुरुआत है। सेमीफाइनल में इंग्लैंड से बदले के बाद भारतीय समर्थकों का जोश इस वक्त हाई है, क्योंकि हिंदुस्तान में क्रिकेट महज एक खेल भर नहीं है, बल्कि लाखों करोड़ों फैंस का इमोशन है। ऐसे में हिंदुस्तान से लेकर सात समंदर पार गयाना तक भारत की जीत की गूंज सुनाई दे रही है। इंडिया की जीत से हम बहुत खुश हैं और हम फाइनल भी उठाएंगे और पिछली बार का बदला हमारा पूरा हुआ। भारत माता की जय। इंडिया बिल्कुल फुल गारंटी से फाइनल उठाएगा और इस बार 2024 T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बनेगा। हर जगह फैंस इस शानदार जीत पर जश्न मना रहे हैं। बेशक दोनों तस्वीरें अलग हैं, लेकिन फैंस के जोश और उत्साह में कहीं कोई कमी नहीं है। गयाना में भी जहां इंडिया और इंग्लैंड के बीच मैच खेला गया, वहां भी स्टेडियम के बाहर भारतीय समर्थक जश्न में डूबे नजर आए। एकदम बढ़िया मैच था, मतलब पैसा वसूल, अनबिलीवेबल। इंडिया इन द फाइनल्स अगेन, दिस टाइम 23 के बाद, आई थिंक दिस टाइम वी शुड गेट द वर्ल्ड। बहुत मजा आया, बहुत अच्छा खेला इंडिया ने एंड दे प्लेड लाइक चैंपियंस। नाउ होपिंग साउथ अफ्रीका के साथ वापस यही रिपीट करे एंड आई एम प्रीटी श्योर दे विल। ऑल द बेस्ट इंडिया। इंडिया यहाँ पे एक विजन के साथ आया था और उस विजन में सबसे बड़ी बात क्या है, भरोसा, बिलीव। द वर्ड व्हाट वी टेकिंग बिलीव इज गोइंग ऑन विद अस। एक बार भी इंडिया ने पहले गेम से लेकर आखिरी गेम तक टीम चेंज नहीं करी, उसका कारण है, चाहे कोई चल रहा है नहीं चल रहा, उसका कोई लेना देना नहीं। बट द रोहित एंड द कोचेस, व्हाट द बिलीव दे शोइंग, वी विल गो विद दैट। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, फाइनल से पहले ये जश्न तो महज वानगी भर है। असली जश्न तो कल शुरू होगा। उस पल का पूरा देश पल के बिछाए बेसब्री से इंतजार कर रहा है, जब बारबाडोस में टीम इंडिया फाइनल टक्कर में साउथ अफ्रीका को मात देगी और T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लेकर हिंदुस्तान लौटेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस वर्ल्ड कप में आपको बता दें टीम इंडिया का सफर बेहद शानदार रहा है। भारत ने एक भी मैच नहीं गवाया है, इसके पीछे कई पॉजिटिव फैक्टर हैं जो खुशी बताएंगे। बिल्कुल, बात करें कप्तान रोहित शर्मा की तो उन्होंने हर खिलाड़ी पर भरोसा जताया है और सभी खिलाड़ियों ने उस हिसाब से परफॉर्म भी कर दिखाया है। तो चलिए आपको दिखाते हैं टीम इंडिया के पॉजिटिव फैक्टर को। विजय रथ पर सवार टीम इंडिया अब वर्ल्ड कप ट्रॉफी के बेहद करीब है। भारतीय टीम जिस तरीके से खेल रही है उसे देखकर ये कहा जा सकता है कि ये वर्ल्ड कप हमारा है। भारतीय टीम के प्रदर्शन के पीछे कई पॉजिटिव फैक्टर्स भी हैं। पहला फैक्टर ये कि टीम इंडिया के कप्तान और हिटमैन रोहित शर्मा का अपनी टीम और खिलाड़ियों पर पूरा भरोसा है, क्योंकि उन्होंने पूरे वर्ल्ड कप में टीम में सिर्फ एक बदलाव किया है। वो बदलाव भी अमेरिका की मुश्किल पिच से निकलकर वेस्टइंडीज में सिराज की जगह कुलदीप यादव के रूप में हुआ है। टीम इंडिया इस समय शानदार लय में चल रही है। इस वर्ल्ड कप में भारत अभी तक अजेय रहा है। भारत ने ग्रुप स्टेज और सुपर 8 के सभी मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जबकि कनाडा के खिलाफ भारत का मुकाबला रद्द हो गया था। इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया ने एक भी मैच गंवाया नहीं है। इसके पीछे बड़ी वजह ये है कि भारतीय टीम तीनों डिपार्टमेंट में शानदार प्रदर्शन कर रही है। बात बल्लेबाजी की हो तो रोहित,
विस्फोटक शुरुआत दिलाते हैं, जबकि घातक गेंदबाजी से बुमराह और अर्शदीप विपक्षी टीम की कमर तोड़ देते हैं। इसके साथ ही भारतीय ऑलराउंडर और स्पिनर्स का प्रदर्शन भी बेहद कारगर साबित हुआ है। आंकड़े भी यही कहते हैं कि भारत दक्षिण अफ्रीका पर भारी है। दोनों टीमों के बीच 26 टी20 मुकाबलों में 14 में इंडिया ने बाजी मारी है, जबकि 11 मुकाबलों में साउथ अफ्रीका को जीत मिली है। टी20 वर्ल्ड कप में भी भारत का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। वर्ल्ड टी20 के 5 मुकाबलों में टीम इंडिया ने 3 और साउथ अफ्रीका ने 2 जीत अपने नाम की है। सबसे खास बात तो ये कि भारतीय टीम के सभी खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और पिछले 5 मैचेस में अलग अलग खिलाड़ी हीरो बनकर उभरे हैं। मेरी पूरी उम्मीद है कि हम चैंपियन बनेंगे, हम जीतेंगे, यही पूरी उम्मीद है हमारी। कल का मैच आपको कैसा लगा? कल का मैच इंग्लैंड का, हम लगातार सारे मैच जीते हैं। हमने पाकिस्तान को भी हराया, मैंने बाकी टीमों को भी हराया है और इसके बाद हम यहाँ पे पहुंचे हैं और कल इंग्लैंड को जिस तरह हराया अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है रनों से, तो इसलिए जो है मुझे पूरी उम्मीद है फाइनल में हम जीतेंगे। पूरी मजबूती हमारे तीनों डिपार्टमेंट बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग अच्छा कर रहे हैं। कुल मिलाकर साउथ अफ्रीका से फाइनल की टक्कर में टीम इंडिया के पास कई पॉजिटिव फैक्टर्स भी हैं, जो ये बताते हैं कि वर्ल्ड कप हमारा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भाई देखिए, इस वीकेंड ना दो बहुत अच्छी चीजें होने वाली। पहली बात तो ये है कि वर्ल्ड कप का मुकाबला आई एम श्योर कोई मिस नहीं करना चाहेगा, और जो अभी अभी मैंने देखी वेदर रिपोर्ट मौसम विभाग की प्रेडिक्शन वो ये कि कल भी बारिश आने वाली है, तो आप इमेजिन कीजिए कितना अच्छा हो कि हाथ में चाय का कप हो, सामने मैच चल रहा हो और इधर बारिश हो। यहाँ आप कमेंट्री कर रही हो बैठ के? नहीं, कमेंट्री क्यों करूंगी, मैं घर पे बैठ के चाय पी रही हूं, यहां की बात कर रही हूं। तो खैर, कुल मिलाकर वो कल भी बादल करेंगे, ये कहते हुए हम बता दें कि कल हम घर बैठ के मैच देखना ज्यादा पसंद करेंगे। लेकिन देखिए, सोशल मीडिया पे ना इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, प्लेइंग 11 को लेकर बहुत चर्चा हो रही है, और ये बात सही है कि विराट से जितनी उम्मीद है, क्योंकि वो है ही ऐसे कि हम चाहते हैं कि विराट आए तो चौके छक्के की बरसात हो जाए, जो कि इस बार कम देखने को मिला हमें, तो प्लेइंग 11 में बदलाव की बात हो रही है सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पर प्लेइंग 11 को लेकर, क्योंकि विराट को लोग देखना चाहते हैं कि वो बैटिंग करे, उनको देखने के लिए लोग बेताब exactly. हैं कि वो बैटिंग करे, तो सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा डिस्कशन चल रहा है कि आखिर प्लेइंग 11 में क्या कुछ चेंजेस हो सकते हैं, तो इस खास रिपोर्ट में देखिए। दुनिया भर के क्रिकेट फैंस को कल भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले फाइनल मुकाबले का इंतजार है। भारतीय टीम भले ही फाइनल में कदम रख चुकी है, लेकिन इस पूरे वर्ल्ड कप में विराट कोहली का बल्ला अभी तक खामोश रहा है। ऐसे में सोशल मीडिया पर चर्चा है कि विराट कोहली की जगह फाइनल में यशस्वी जायसवाल से ओपनिंग कराई जाए और विराट को उनकी पुरानी पोजीशन नंबर 3 पर उतारा जाए। ऐसे में अगर विराट कोहली ओपन नहीं करते हैं तो टीम इंडिया की प्लेइंग 11 कुछ इस तरह से हो सकती है। रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह। अगर रोहित शर्मा यशस्वी से फाइनल में ओपनिंग कराते हैं तो हो सकता है कि शिवम दुबे को बाहर बैठना पड़े। हालांकि इन सब कॉम्बिनेशन की चर्चा सिर्फ सोशल मीडिया पर चल रही है। चर्चा इस बात की भी है कि प्लेइंग 11 इसी तरह की रहे, सिर्फ शिवम दुबे की जगह संजू सैमसन को मौका दिया जाए, क्योंकि इस पूरे वर्ल्ड कप में शिवम दुबे का टीम मैनेजमेंट ने एक बल्लेबाज के तौर पर ही इस्तेमाल किया है, और ऐसे में संजू सैमसन भी इस जगह के लिए फिट बैठते हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या फाइनल में बदलाव का रिस्क लेना सही फैसला होगा, या फिर टीम इंडिया विनिंग टीम के साथ फाइनल खेलने उतरेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, हमने तो चर्चा की कि टीम इंडिया की परफॉर्मेंस कितनी जबरदस्त चल रही है, लेकिन वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन कपिल देव ने टीम इंडिया की परफॉर्मेंस को लेकर क्या कुछ कहा है, जाकर सुनिए। I think wonderful. Anybody reach on final, you just say how wonderfully they played. Akshar Patel and not one name. It's the team. I always believe in the team. Yes. Team have done wonderfully well under the Rohit's captaincy. They done extremely well. So the bowling attack. Everything comes in that. चलिए, अब आपको मुंबई लिए चलते हैं, जहां टीम इंडिया के फैंस का जोश हाई है। जी हां, आपको बता दें कि फाइनल मुकाबले से पहले भारतीय समर्थक टीम इंडिया के लिए दुआएं कर रहे हैं। यहां पर
देखिए कुछ ऐसे फैन से हमारे संवाददाता धर्मेंद्र दुबे ने भी बातचीत की है, तो चलिए आपको दिखाते हैं मुंबई में फाइनल टक्कर को लेकर कैसा माहौल है। इस समय मैं वानखेड़े स्टेडियम के ठीक सामने खड़ा हूं जहां पर लोग मौजूद हैं। चलिए बात करते हैं मैच को लेकर के, आप से पहले शुरू करते हैं, पांच खिलाड़ियों के नाम बताएं इंडियन क्रिकेट में जो सच में बहुत ही बेहतरीन है। सर फिलहाल में रोहित शर्मा जो कि इंडियन टीम के कैप्टन है, उनके जैसा तो कोई इंडियन टीम में अभी फॉर्म में नहीं है। उनके अलावा वेट कर रहे हैं सब लोग कि कोहली कब फॉर्म में आ रहे हैं, कि कोहली अब फाइनल में, जब सब वेट कर रहे हैं कि फाइनल में कोहली अच्छे खेले। उसके अलावा जो सूर्य कुमार यादव है वो तो इन फॉर्म ही बैट्समैन है। उसके अलावा जो हार्दिक पांड्या जो IPL में फ्लॉप गया, लेकिन उन्होंने वनडे ICC T20 वर्ल्ड कप में जो उनका फॉर्म वापस आया है, उसके वजह से पूरे जो प्लेयर मतलब इंडियन वेलकम बैक किया उसने, उसके लिए पूरे इंडियन जो भी क्राउड है, जो भी फैन बेस है, उसका भी बढ़ गया है। उसके अलावा लास्ट बुमराह, ये पांच प्लेयर मेरे नजर में तो सबसे फॉर्म में। इंडिया को 200 स्कोर तो करने चाहिए पार करने के लिए, कम भी करेगी तो भी अपनी इंडिया जीतने वाली है। इंडिया 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 ओके ओके ओके। आगे क्या लगता है टॉस किसको जीतना चाहिए, और टॉस जीतने के बाद टॉस कोई भी जीतेगा इंडिया ही। अच्छा बताइए, लेकिन अगर इंडिया ने टॉस जीता तो पहले फील्डिंग करनी चाहिए या फिर बॉलिंग करनी चाहिए या बैटिंग? पहले बैटिंग करनी चाहिए, क्योंकि अगर पहले बॉलिंग करेंगे तो कोहली को 100 मारने का चांस नहीं मिलेगा। पहले बैटिंग करके कोहली ने 100 मारने चाहिए। कुछ भी करो इंडिया ही जीतेगा, कुछ भी करो इंडिया ही जीतेगा। ओके ओके। और आपसे जाए, अच्छा ये बताइए मेरे को, विराट कोहली रोहित शर्मा के अलावा भी कोई क्रिकेटर है, बैट्समैन है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है, जिससे उम्मीद है? हार्दिक पांड्या। अभी तक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, तो फेवरेट है मेरा वो, फेवरेट है तो वो करेगा इस बार? करेगा ऑब्वियसली, पूछने वाली बात नहीं है। इंडिया जीतेगा भाई। बोलने के लिए चलिए फिर आपके पास ही एक बार वापस से आते हैं। आप मेरे को ये बताएं कि जो बॉलर इस समय चल रहे हैं उनमें से किस बॉलर से बहुत ज्यादा उम्मीद है आप? सर पहले तो जसप्रीत बुमराह, उसके अलावा कुलदीप यादव, ये दोनों से ही मुझे सबसे ज्यादा उम्मीद है। और अब मुझे लगता है कि अगर जडेजा फिर से फॉर्म में आए तो वेल एंड गुड। इंडिया जीतेगा इस बार, इंडिया ही बना लाएगा। अच्छा देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी जो है माहौल बन गया, हर कोई इंडिया को चेयर्स करना चाह रहा है, हर कोई चाहता है कि इंडिया जीत जाए। धीरे धीरे भीड़ भी बहुत ज्यादा बढ़ती ही यहाँ पर जा रही है। और क्या कहें, एक बार इस वीडियो के समापन में फिर एक बार बोलते हैं इंडिया। वीडियो जर्नलिस्ट अनिकेत चौहान के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे, मुंबई। तो देखिए दिल्ली और NCR पिछले दो दिनों से बारिश से तरबतर हो रहा है, बस इसी का इंतजार हम कर रहे थे। बार बार ये बात हो रही थी कि 1.5 महीने से 40 से नीचे पारा नहीं गया, फाइनली जो प्रेडिक्शन थी मॉनसून को लेकर वो सही साबित हुई है, और आज तो डिक्लेयर हो गया है कि मॉनसून आ गया है। लेकिन दिल्ली में गर्मी से लोगों को बिल्कुल राहत मिल गई है। बिल्कुल, लेकिन आप इस वक्त बाहर निकलेंगे तो आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, जो कि उम्मीद है कि वक्त के साथ बेहतर हो जाएंगी। लेकिन इस वक्त दिल्ली वालों को हीट वेव से छुटकारा मिल गया है, सुकून लेकर आई है। दिल्ली ही नहीं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में भी प्री मॉनसून वाली बारिश गर्मी से राहत पहुंचा रही है, और 2-3 दिनों के अंदर पूरे उत्तर पश्चिम भारत में भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। मॉनसून के तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अभी हमारा जो बारिश हो रहे हैं पूरा नॉर्थ इंडिया के ऊपर, वो एक सर्कुलेशन है गुजरात के ऊपर, जिसके चलते अरेबियन सी से बहुत डीप लेवल ऑफ मॉइस्चर आपका पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आ रहा है। साथ ही साथ और एक सर्कुलेशन है आपका बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में, इधर थोड़ा ओडिशा कोस्ट के पास, जिसके चलते साउथ ईस्टर्ली विंड्स भी आपका नॉर्थ वेस्ट इंडिया में पेनिट्रेट कर रहा है। दोनों कारणों से बारिश काफी बढ़ चुकी है, और आगे भी उम्मीद है कि बारिश बढ़ा हुआ बारिश और भी बढ़ेगी, और हेवी रेनफॉल जो है अभी आपका नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आती रहेगी, और 29-30 को अति भारी वर्षा का भी पॉसिबिलिटी पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडियन प्लेन्स में है। उत्तर भारत के मैदानी राज्यों की तरह ही पहाड़ी राज्यों में भी जोरदार बारिश हो रही है। खासतौर से मौसम विभाग की उत्तराखंड में भारी से अति भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है, जबकि हिमाचल में तो मानसून दस्तक दे भी चुका है। इसमें कोई दो राय नहीं कि उत्तर पश्चिम भारत में लंबे समय तक गर्मी का प्रकोप झेलने के बाद लोगों को खुशगवार मौसम की सौगात मिली है।
ऐसे में भले ही बारिश से कई दुश्वारियां खड़ी हो रही हैं और उनका हल भी निकाला जा रहा है, मगर गर्मी से आजिज आए लोगों के लिए ये बारिश की झमाझम किसी तोहफे से कम नहीं। दिल्ली से मनीष चौरसिया, मनीषा लड्डा और नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आपको बता दें, मौसम विभाग के मुताबिक पूरे देश में कई जगहों पर जहां मॉनसून एडवांस हो चुका है, वहीं मॉनसूनी बादल दिल्ली समेत कई और राज्यों में भी बरसना शुरू हो गए हैं। अभी आज हमने मॉनसून काफी एडवांस कर चुके हैं। अगर इस मैप में देखते हैं तो अभी आपका मॉनसून का जो लाइन जा रही है, राजस्थान के ज्यादातर हिस्से, साउथ हरियाणा, दिल्ली, साउथ उत्तर प्रदेश और ईस्ट उत्तर प्रदेश का कुछ और हिस्से, और मेनली आपका बंगाल, बिहार, झारखंड कवर करते हुए नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयन स्टेट्स जो है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, इन सभी को कवर कर चुके हैं। दिल्ली में आज सुबह ढाई बजे, मेनली ढाई बजे से साढ़े पांच बजे तक के बीच में सबसे ज्यादा जो रिकॉर्ड आई है हमारे सफदरजंग के ऑब्जर्वेटरी से 228 मिलीमीटर, और बाकी सभी दिल्ली के ऑब्जर्वेटरी से काफी ज्यादा अति भारी वर्षा तक आने का रिपोर्ट आई है। मेनली नॉर्थ इंडिया में आपका हिमाचल प्रदेश और आपका हरियाणा और मध्य प्रदेश, वेस्ट मध्य प्रदेश, विदर्भा, इन सभी राज्य में अति भारी वर्षा का रिपोर्ट आया है। तो अभी ये जो बारिश जिन जगहों पे हुई है, ये सारे मॉनसून का बारिश है, और कोई देखिए ये ग्रेजुअल चेंज होता है प्री मॉनसून टू मॉनसून में। अभी जो विंड फ्लो सब कुछ देखते हुए हमें जो पता, देखिए दिल्ली ने भले ही आज सड़कों पर जगह जगह दरिया देखी हो, लेकिन दिल्ली की मेयर का कहना है कि ऑल इज वेल। यही नहीं, एमसीडी की मेयर ने भरोसा भी दिलाया है कि उनकी तैयारी पूरी है और सब कुछ ठीक रहा तो दिल्ली इस बार मॉनसून एंजॉय करेगी। सभी डिपार्टमेंट्स के साथ मीटिंग करी थी कि जब भी जरूरत पड़ेगी सभी डिपार्टमेंट्स मिलकर एक एक जगह का मुआयना करेंगे, और कहीं भी अगर वाटर लॉगिंग की स्थिति आएगी, कहीं भी मॉनसून की वजह से दिल्ली की जनता को परेशानी होगी, तो सारे डिपार्टमेंट्स मिलजुल कर इस दिल्ली की जो स्थिति है उसको ठीक करेंगे। और साथ ही नगर निगम के तमाम अधिकारियों को मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि पूरे एक्शन प्लान पे 85% और 92% काम करके दिल्ली की जनता को राहत देने के लिए जो काम कर रहे हैं, तमाम अधिकारियों को और कर्मचारियों को मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। और साथ ही दिल्ली की जनता को आश्वासन देना चाहूंगी कि इस बार दिल्ली की जनता मॉनसून एंजॉय करेगी और किसी भी तरह की जो परेशानी और कठिन स्थिति हम कम से कम लाने की कोशिश करेंगे, और हर वो सुविधा मिलेगी, हर किसी इशू का जो है हम रिसॉल्व एज सून एज पॉसिबल करने की कोशिश करेंगे। चलिए तो अब आपको सिक्किम की खबर दे देते हैं, जहां इस वक्त बारिश की वजह से हालात बहुत ज्यादा खराब है और वहां के जो जवान हैं वो इन हालातों को संभालने में जुटे हैं। देखिए इस दौरान कई जगहों पर कम समय में पुल भी बनाए जा रहे हैं। त्रिशक्ति कोर के जवानों ने खराब मौसम के बीच भी महज 72 घंटों में ही एक पुल का निर्माण कर दिया। सिक्किम में बारिश और बाढ़ से हुई तबाही के बाद जिंदगी को पटरी पर लाने की कवायद जारी है। कई इलाकों में सड़क मार्ग बाधित है, जिन्हें चालू करने के लिए सेना अपनी पूरी ताकत झोंके हुए है। इंडियन आर्मी की त्रिशक्ति कोर के इंजीनियरों ने जाबाजी दिखाते हुए डिकचुक सांगलंग सड़क पर महज 72 घंटे में बेली ब्रिज बना डाला। 40 फीट लंबा पुल बनाने का काम 23 जून को शुरू हुआ था, जिसे चुनौतीपूर्ण मौसम के बीच महज 72 घंटे में सेना के जवानों ने तैयार करके दिखा दिया। सामान्य हालात बहाल करने में बीआरओ और स्थानीय प्रशासन की मदद से त्रिशक्ति कोर के सेना इंजीनियरों ने इस पुल को बनाया है। ये पुल डिकचुक से सांगलंग से चुंगथांग की ओर वाहनों के आवागमन को सक्षम करने के लिए ये एक अहम कड़ी है। इसके बन जाने से मंगल जिले के प्रभावित लोगों को इलाज समेत बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में काफी मदद मिली। ग्यारह जून से हो रही बारिश ने उत्तरी सिक्किम को काफी नुकसान पहुंचाया है। यहां बिगड़े हालात के बाद सेना रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है, साथ ही आवागमन की बहाली के लिए भी खूब मशक्कत कर रही है। बाढ़ और लैंडस्लाइड के चलते उत्तरी सिक्किम के कई इलाकों का सड़क संपर्क टूट गया है, कई सड़कों में दरारें पड़ गई हैं।
इन मार्गों को फिर से बहाल करने में सेना पूरी शिद्दत से जुटी हुई है। हाल ही में इंडियन आर्मी की त्रिशक्ति कोर के इंजीनियरों ने एक तेज बहाव वाले नदी के ऊपर स्पेशल ब्रिज का निर्माण भी कर डाला था, जिसका वीडियो भी सामने आया था। इस वीडियो में दो जवान जान हथेली पर लेकर ब्रिज बनाते हुए नजर आते हैं। 48 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद 150 फीट लंबा सस्पेंशन ब्रिज बनकर तैयार हो गया था और अब त्रिशक्ति कोर के जवानों ने 72 घंटे में 70 फीट लंबा बेली ब्रिज बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था बालटाल और पहलगाम पहुंच गया है। कल से अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। यात्रा 19 अगस्त तक चलेगी। करीब दो महीने की यात्रा महादेव के भक्तों के लिए बहुत खास है। यात्रा श्रीनगर से 15 किलोमीटर दूर करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर अमरनाथ की गुफा में पूरी होती है और हर साल लाखों की संख्या में शिव भक्त यहां पहुंचते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमरनाथ यात्रा करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आपके सामने दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर उस वक्त की है जब अमरनाथ यात्रा के लिए पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाई गई और दूसरी तस्वीर उस वक्त की है जब ये जत्था पहलगाम और बालटाल पहुंचा और अब कल सुबह से इस साल की अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। तो आपको बता दें कि बालटाल और पहलगाम पहुंचे अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था पहुंच चुका है। बाबा के दर्शन को लेकर बेहद ये उत्साहित नजर आया। शनिवार सुबह से शुरू हो रही इस साल की अमरनाथ यात्रा को लेकर नुनवन बेस कैंप पहलगाम से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मीर फरीद। इस वक्त हम नुनवन पहलगाम में हैं और अमरनाथ यात्रा 2024 जो है शुरू हो चुकी है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सिक्योरिटी जो है चेक पॉइंट है और इस साल जो है बैगेज जो स्कैनिंग फैसिलिटी है वो भी यहां पे जो है लगा दी गई है और 3-4 जो है ऐसी मशीनें हैं जिसमें से जो है बैगेज आपको डाल के पूरा स्कैन और चेक करके जो है आपको आगे छोड़ा जाएगा। अभी जो है जो बाई रोड का सबसे बड़ा जत्था आ रहा है, जो कॉन्वॉय आ रही है, वो अभी पहलगाम नहीं पहुंची है, तो अगले 1-2 घंटे में जो है वो भी पहलगाम पहुंच जाएंगे और फिर यहां से आगे नुनवन बेस कैंप और उसके बाद चंदनवाड़ी और जहां से कल सुबह सवेरे जो है तकरीबन 5-5:30 बजे फ्लैग ऑफ होगी यात्रा यहां से। और बिल्कुल ऐसे ही जो आपको नजारे मिलेंगे बालटाल की तरफ से भी जो दूसरा रूट है वहां पे भी बिल्कुल सुरक्षा के ऐसे इंतजाम है। प्रशासन ने जो है काफी सुविधाएं भी बढ़ाई है। अगर आप पिछले 2-3 साल की बात करें चाहे जो यात्रियों को रहने की जगह है उनको बेहतर किया गया है, चिकित्सा की जो सुविधाएं हैं पूरा जो केव तक अलग अलग जगह पे जो है यूनिट रखे हैं मेडिकल यूनिट जो कि चिकित्सा का ख्याल रखेंगे। उसके अलावा अगर आप इमरजेंसीज जो नेचुरल जो डिजास्टर होते हैं प्राकृतिक जो आपदा होती है जो हमने 2 साल पहले देखा कि एक फ्लैश फ्लड भी आया था जिसमें कैजुअलिटीज हुई या फिर कोई बीमार हो जाता है और या इवन टेरर अटैक के लिए भी जो मॉक ड्रिल्स हुई हैं और प्रशासन की तरफ से डिजास्टर मैनेजमेंट की कई सारी टीमें जिनको ट्रेनिंग दी गई है उनको जो है यहां पे तैनात किया गया है जगह जगह। तो हर चीज का ख्याल रखने की कोशिश है। अब देखना यह है कि कितने अच्छे से यात्रा होती है लेकिन अभी तक जो है ऑलरेडी रिकॉर्ड टूट रहे हैं क्योंकि 4 लाख यात्रियों ने जो है रजिस्ट्रेशन की है। 4 लाख लोग जो है ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं यात्रा के लिए और अभी जो है पहले ही दिन है तो ऐसा लग रहा है कि शायद पिछले सारे रिकॉर्ड जो है संख्या के इस बार टूट जाएं जहां तक 2024 अमरनाथ यात्रा की बात है। कैंपसन तारिक लोन के साथ मीर फरीद पहलगाम जीएनटी के लिए। तो अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए तैयार है। अमरनाथ यात्रा में तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को आज तड़के जम्मू कश्मीर के एलजी ने हरी झंडी दिखाकर जम्मू बेस कैंप से रवाना किया जो पहलगाम और बालटाल पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, और वहां पर पुलिस भी रेड अलर्ट पर है और श्रद्धालुओं के लिए क्या कुछ सुविधाएं वहां पर दी जा रही हैं इस रिपोर्ट में देखिए। हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों के साथ बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए हर साल होने वाली अमरनाथ यात्रा अपने आरंभ की ओर है। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था आज जम्मू से रवाना कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सुबह 4:30 बजे श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को झंडी दिखाकर जम्मू के बेस कैंप से रवाना किया।
भेजा था पहलगाम और बालटाल से कल अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना होगा और अमरनाथ यात्रा इसी के साथ शुरू हो जाएगी। हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर बोले। इस समय हम मौजूद हैं जम्मू में स्थित श्री अमरनाथ यात्री निवास भवन के बाहर और यात्रियों का जो पहला जत्था है वो कश्मीर घाटी की तरफ रवाना हो चुका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक एक करके जो वाहन हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं। लगभग 4500 श्रद्धालु जो हैं कश्मीर घाटी की तरफ जा रहे हैं। कल सुबह यात्रा जो है विधिवत तौर पर शुरू हो जाएगी दोनों मार्गों से, पहलगाम मार्ग से भी और बालताल मार्ग से भी। ये जो श्रद्धालु हैं आज दोपहर तक कश्मीर घाटी पहुंच जाएंगे और पूरे जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर हम बात करें तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। सूत्रों की माने तो 4500 से ज्यादा महादेव के भक्त जम्मू बेस कैंप से पहले जत्थे में रवाना किए गए हैं। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। वो झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, महादेव का जयकारा लगा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ के भक्त कश्मीर घाटी के लिए रवाना हो रहे हैं और यहाँ पर अगर आप देखें जम्मू के बेस कैंप पर ये जो बसें लगी हैं इनमें श्रद्धालु बैठे हैं और इनका जोश देखते ही बनता है। आप देखिए कि धार्मिक भावना से भरपूर यहाँ पर हर हर महादेव का जय घोष कर रहे हैं श्रद्धालु और कश्मीर घाटी की तरफ जा रहे हैं। जी आप बताएं आप कहाँ से आए? हम भोपाल से आए। भोपाल से आए जी। बताएं मन में कितनी प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है, आप भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं? बहुत खुशी हो रही है, इसका शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। क्या मांगेंगे भगवान से? शांति मांगेंगे देश मन में। बहुत खुशी है, बहुत उत्साह है भाई साहब। बाबा बर्फानी के दर्शन करना पहली बार जा रहा हूँ मैं। अच्छा, मन में कोई डर भय तो नहीं? कोई डर भय नहीं है। पहली बार महादेव, महादेव। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए भी कई सारे कदम उठाए हैं। मार्ग एवं रास्ते, यात्रा मार्ग और श्रद्धालुओं की सुरक्षा काफी मजबूत है। जम्मू में ही अमरनाथ यात्रा के लिए आधार शिविर यानी बेस कैंप बनाया गया है। श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा को पहली प्राथमिकता के तौर पर रखा गया है। सभी एजेंसियां फुल प्रूफ सुरक्षा देने के लिए एक साथ काम कर रही हैं। कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर विजय कुमार बिधुड़ी का दावा है कि यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। इसको बहुत सीरियसली लिया जाता है हमेशा, सिक्योरिटी से कभी कोई कॉम्प्रोमाइज किया नहीं जाता है और ये मल्टी लेयर सिक्योरिटी अरेंजमेंट हम लोगों ने किए हुए हैं और मैं मतलब आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि यात्री आए और एकदम सिक्योर माहौल में वो रहेंगे और बहुत अच्छा अनुभव लेके वो यहां से जाएंगे। चप्पे चप्पे पर निगाह रखने के लिए जम्मू श्रीनगर मार्ग पर सीसीटीवी लगाए गए हैं। उधमपुर की डिप्टी कमिश्नर सलोनी राय के अनुसार उधमपुर से बनिहाल तक करीब 10 सीसीटीवी पॉइंट्स बनाए गए हैं। इससे मार्ग की लगातार निगरानी हो पाएगी। रास्ते में अगर जाम लगता है तो इसे मैनेज किया जाएगा। पुलिस प्रशासन सभी की कोशिश है कि यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं को खाने पीने से लेकर बिजली तक किसी तरह की समस्या न हो। सिक्योरिटी बंदोबस्त पूरी इन प्लेस है और सभी सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए हमने एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट भी डिप्लॉय किया हुआ है, तो सभी तैयारियां हो गई हैं और यात्रा सेफ और स्मूथ रहे इसमें हमारी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन लगी हुई है। अमरनाथ यात्रा के लिए बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन हो रहा है। पूरे देश से श्रद्धालु इस यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं, इसलिए श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा के साथ तमाम सुविधाओं की भी व्यवस्था है। उनके ठहरने से लेकर मेडिकल और इमरजेंसी में मदद देने की भी पूरी तैयारी की गई है। कहते हैं अमरनाथ यात्रा के लिए राह मुश्किलों भरी है, लेकिन व्यवस्थाओं ने इसे सुगम कर दिया है। वैसे रास्ता चाहे जितना भी लंबा हो, जितना भी मुश्किल हो, लेकिन साल में एक बार बाबा बर्फानी जब अपनी इस दिव्य गुफा में प्रकट होते हैं तो लाख मुसीबत सहकर भी भोलेनाथ के दर्शन करने उनके भक्त पहुंच ही जाते हैं। जम्मू बेस कैंप से सुनील भट्ट और श्रीनगर से मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो अमरनाथ यात्रा के लिए भोले के भक्त पूरी तरह से तैयार हैं। बालटाल और पहलगाम पहुंचे जत्थे में भोले के प्रति आस्था अपार है। हम भी उनके सुरक्षित और सफल यात्रा की कामना करते हैं। बहरहाल इस यात्रा के लिए सुरक्षा के भी जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। तो चलिए हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि श्रद्धालु पवित्र अमरनाथ यात्रा को पूरा करने के लिए किन किन रास्तों को तय करेंगे।
बाबा अमरनाथ की गुफा तक जाने के दो रास्ते हैं। सबसे पुराना रास्ता है जम्मू कश्मीर से पहलगाम होते हुए, जम्मू से करीब 15 किलोमीटर और श्रीनगर से 96 किलोमीटर दूर है पहलगाम। यहां से पवित्र गुफा करीब 46 किलोमीटर दूर है। इस रास्ते से अमरनाथ धाम की यात्रा 5 दिन में पूरी होती है। पहलगाम से पवित्र गुफा तक के हर पड़ाव के साथ जुड़ी है भगवान शिव की अमर कथा। पहलगाम में शिव ने छोड़ा अपना वाहन नंदी। अमरनाथ यात्रा जिस पहलगाम से शुरू होती है उसके बारे में पौराणिक मान्यता है कि देवी पार्वती को अमर कथा सुनाते वक्त भगवान शिव ने अपने वाहन नंदी को इसी स्थान पर छोड़ा था। पहलगाम से 16 किलोमीटर दूर है चंदनवाड़ी। चंदनवाड़ी में शिव की जटा से दूर हुए चंद्रमा। कहते हैं कि इसी जगह भगवान शिव ने अपनी जटा से चंद्रमा को अलग किया था, जिससे इस जगह का नाम पड़ा चंदनवाड़ी। चंदनवाड़ी से 16 किलोमीटर दूर है शेषनाग। शेषनाग में शिव ने त्यागा गले का हार। यहाँ महादेव ने अपने गले के हार शेषनाग को छोड़ दिया था। शेषनाग से 4.6 किलोमीटर आगे है महागुण पर्वत। महागुण पर्वत पर शिव ने रोका गणेश को। पौराणिक मान्यता है कि महादेव ने अपने बेटे गणेश को इसी स्थान पर ठहरने का आदेश दिया था। महागुण पर्वत से 6 किलोमीटर दूर है पंचतरणी। पंचतरणी में पंच महाभूतों से मुक्ति। मान्यता है कि यहां आकर भगवान शिव ने पंच महाभूतों यानी धरती, अग्नि, जल, वायु और आकाश को खुद से अलग कर दिया था और सबसे मुक्त होकर भगवान शिव पहुंचे थे इस निर्जन गुफा में, जहां उन्होंने देवी पार्वती को सुनाई थी अलौकिक अमर कथा। अमरनाथ की पवित्र गुफा तक पहुंचने का दूसरा रास्ता बालटाल का है। बालटाल के रास्ते अमरनाथ यात्रा करने के लिए श्रद्धालुओं को जम्मू से श्रीनगर और फिर सोनमर्ग होते हुए बालटाल पहुंचना होता है। बालटाल के बेस कैंप से पवित्र गुफा की दूरी है 14 किलोमीटर। बालटाल के रास्ते अमरनाथ यात्रा सिर्फ एक दिन में पूरी हो जाती है, लेकिन बालटाल का रास्ता जितना छोटा है उतना ही मुश्किल। पहाड़ पर सीधी चढ़ाई चढ़कर इस रास्ते बाबा बर्फानी तक वही पहुंच सकता है जो शारीरिक रूप से पूरी तरह फिट हो। रास्ता चाहे जितना भी लंबा हो, जितना भी मुश्किल हो, लेकिन साल में एक बार बाबा बर्फानी जब अपने इस दिव्य गुफा में प्रकट होते हैं तो लाख मुसीबत सहकर भी भोलेनाथ के दर्शन करने भक्त पहुंच ही जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, समय के साथ अब खेती भी जो है वो बदल रही है। आजकल रासायनिक खेती छोड़कर किसान ऑर्गेनिक खेती की ओर रुक कर रहे हैं। ऐसी ही तस्वीर गुजरात के गीर सोमनाथ के गांव से आई है, जहां अन्नदाता गोबर से जैविक खाद बनाकर उसका इस्तेमाल ऑर्गेनिक खेती में कर रहे हैं। गोबर से जैविक खाद तैयार करते किसानों की ये तस्वीर गुजरात के गीर सोमनाथ की है, जहां इन किसानों ने रासायनिक खेती को हमेशा के लिए गुड बाय कह दिया है। यहां बड़ी संख्या में किसानों ने जैविक खेती की ओर रुख किया है। तो मेरा प्रोडक्शन होता है, वो मेरा प्रोडक्शन से मैं खुद प्रोसेसिंग करता हूं, पैकेजिंग करता हूं और फिर मैं प्राइस नकी करता हूं और कस्टमर को डायरेक्टली भेजता हूं मैं। गीर सोमनाथ के गांव में ही ऑर्गेनिक खादों को तैयार किया जाता है और उसका ही इस्तेमाल किसान ऑर्गेनिक खेती में करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में किसानों को मुनाफा भी अच्छा खासा हो रहा है। इससे न सिर्फ फसलों की उत्पादकता बढ़ती है बल्कि जमीन की उर्वरता भी बनी रहती है। पिछले 3-4 सालों से जैसा कि गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शंस है, ICAR का इंस्ट्रक्शंस है, वो हम उसको प्राकृतिक खेती की तरफ ज्यादा फोकस कर रहे हैं और अभी तक बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग दी है और बहुत सारे लोग आगे बढ़े हैं, प्राकृतिक खेती प्रारंभ किया है और सेल प्रोडक्ट बनाकर उसकी ब्रांडिंग करके बेच रहे हैं और खेती में लागत को कम करके अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। हाल के दिनों में ऑर्गेनिक खेती का चलन काफी बढ़ा है और गुजरात के गीर सोमनाथ जिले के गांव इस पद्धति को अपनाकर कमाई भी कर रहे हैं और प्रकृति को भी सहेज रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।